हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऑयली स्किन के स्किन जो है ना उसके लिए स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। इस वाले स्किन केयर रूटीन को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके स्किन में जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो आता है, तो वो ऑयल भी कम होगा। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिम्पल्स होते हैं तो पिम्पल्स की प्रॉब्लम भी कम होगी, और साथ ही साथ रेडनेस भी कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, और आपके फेस पे एक प्यारा सा ग्लो भी आएगा। स्किन ब्राइट, फ्रेश और यंगर लुकिंग दिखेगी। तो इस वाले स्टेप को आपको मॉर्निंग में फॉलो करना है, और बहुत कम स्टेप्स मैंने इसमें रखे हैं लेकिन ये 100% वर्क करते हैं, क्योंकि मेरी खुद की स्किन ऑयली है। तो मैं इन स्टेप्स को फॉलो करती हूँ मॉर्निंग में, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे ऑयल में दिख ऑयल प्रोडक्शन जो होता है उसको बहुत ज़्यादा उसने कम कर दिया है, और स्किन में जो रेडनेस होती थी उसको भी उसने बहुत हद तक कम कर दिया है। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि हमको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाले हैं, और मेरे बहुत सारे रिव्यू वीडियोस भी मैंने मेरे चैनल पे किए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो अगर आप लाइक करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, तो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी मैं न्यू अपलोड करूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑयली स्किन जिनकी भी है उनको मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं तो ऑयली स्किन गर्ल्स या जिनकी भी ऑयली स्किन है वो रिलेट कर सकते हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है मॉर्निंग में। तो उसको फर्स्ट कंट्रोल करना है। अगर आप ऑयल कंट्रोल करोगे तो आपके बाकी के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना कम हो सकते हैं, जैसे कि पिंपल्स आना। ऑयल की वजह से ही पिंपल्स आते हैं, और उसके ही वजह से फेस पे जो है ना रेडनेस होती है और फेस बिल्कुल फ्रेश नहीं दिखता है। तो आपको फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, अपने फेस को क्लीन करना है। तो क्लीन मतलब फेस वॉश से नहीं, तो आपको एक्स्ट्रा एक स्टेप ऐड करनी है। जो भी स्टेप बताऊंगी उन स्टेप को करने में बिल्कुल ही 5 से 10 मिनट लगेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन वैसे उसको बहुत कम टाइम लगता है। तो रेगुलरली इसको फॉलो करोगे 15 दिनों तक, तो आपके पिंपल्स कम हो गए, ऑयल प्रोडक्शन कम होगा, और स्किन ब्राइट और यंगर लुकिंग दिखेगी। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, फेस को क्लीन करना है, और क्लीन करने के लिए आपको कॉटन पैड ले लेना है या कॉटन बॉल जो भी आपके पास होगा। तो उसके ऊपर आपको किसी भी मेकअप रिमूवर को या मिसलियर वाटर, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सिंपल का है मिसलियर वाटर, तो ये यूज़ कर रही हो आप। आपके पास ये नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली आपको इसको इस पे लेना है कॉटन बॉल पे। तो अगर आपको ये भी चाहिए तो इसकी भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको कुछ इस तरीके से जहाँ पे भी आपके ऑयल होता है ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से इसको क्लीन करना है। तो मेरे यहाँ पे ज़्यादा ऑयल आता है तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इस स्टेप से क्या होगा, मेरे फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं है, तो इस स्टेप से क्या होगा ना, आपके रात भर जो ऑयल प्रोडक्शन हो गया है फेस पे वो भी कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो पिंपल्स आते हैं वो भी कम होने में हेल्प। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करनी है वो है फेस वॉश। तो फेस वॉश के लिए ये मेडिमिक्स के जो फेस वॉशेस की रेंज है, मतलब मेरे जो भी फेस वॉशेस मैंने मेडिमिक्स के यूज़ किए हैं, तो वो सारे ही ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि मेरी खुद की स्किन ऑयली है। तो ये फेस वॉश मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, ये हनी एंड बेसन फेस वॉश है। तो इससे स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है, और ऑयल भी नहीं आता है, और स्किन ड्राई आउट भी नहीं होती है। सो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप लेना चाहते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फेस वॉश कर लेना है, तो मैं अभी इसका यूज़ करके फेस वॉश करके आती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि आपको क्या करना है। मेरे फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, तो फेस वॉश के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, और वो है टोनर। सो टोनर लगाना इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि वो अपनी स्किन का पीएच बैलेंस तो लेवल करता ही है, लेकिन स्किन में मॉइस्चर भी जो है ना दिन भर बनाए रखता है, तो स्किन ड्राई नहीं दिखती है और बहुत अच्छे से यंग और यूथफुल दिखती है। तो उसके लिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं रिकमेंड करूँगी रोज़ वाटर को। रोज़ वाटर का आप यूज़ करो। तो ये जो मेरे पास है ये ऑर्गेनिक रोज़ वाटर है, तो ऑर्गेनिक ही यूज़ करो आप, जो केमिकल्स ना हो, कम केमिकल हो तो स्किन को ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। और अगर आपके पास दूसरा भी कोई मतलब रोज़ वाटर से एक्स्ट्रा भी कोई अगर आप टोनर यूज़ करते हो, तो आप इसमें ये चीज़ एक ऐड कर दो, या चेक करो कि उसमें अल्कोहल नहीं होना
चाहिए। अल्कोहल फ्री टोनर का यूज़ करो क्योंकि अल्कोहल से बहुत ज़्यादा डैमेज होती है स्किन। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि कोई सा भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो उसमें अल्कोहल ना हो तो वही आप प्रेफर करो। तो ये रोज़ वाटर अभी मैं स्किन पे उसको स्प्रे करूँगी। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हो तो आप हाथ पे लेके भी उसको डैब डैब करके कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसको स्प्रे करती हूँ अभी। तो कुछ इस तरीके से, और फिर आप इसको डैब डैब करो अच्छी तरीके से। टोनर हमारे स्किन में जो है ना अंदर तक चला जाना। स्टेप में टोनर लगाने के बाद जो स्टेप होती है वो होता है मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का ये वाला मॉइस्चराइज़र, ये है शिया बटर मॉइस्चराइज़र। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो समर में मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। आप विंटर में इसको यूज़ कर सकते हो। अगर समर में चाहते हो आप तो एलोवेरा वाला मॉइस्चराइज़र जो है पतंजलि का, वो अफोर्डेबल भी है और स्किन को अच्छे से ऑयली स्किन को सूट भी करता है। तो आपको जो भी सूट करे आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एलोवेरा जेल को भी एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी मॉइस्चराइज़र लगाने से स्किन जो है ना हाइड्रेट होती है और स्किन में ग्लो भी आता है। मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो स्किन डल दिखेगी, लेकिन तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही है। तो कुछ इतना ले लिया है मैंने और पूरे फेस को ये अच्छे से कवर करेगा मेरे। तो आपको 2 टाइम्स डे में और इवनिंग में, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में मॉइस्चराइज़र को लगाना है। तो ये सारे स्टेप अगर आप डेली फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी फेशियल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इससे स्किन काफ़ी अच्छे से क्लीन होती है, लेकिन डेली करना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करोगे तो आप अपनी स्किन में डिफरेंस ज़रूर देखोगे। तो ये हो गई मॉइस्चराइजिंग की स्टेप। तो अभी समर आ ही गया है तो नेक्स्ट स्टेप मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ। तो मॉर्निंग में जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑयली स्किन के लिए। वैसे तो मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे जो बेस्ट सनस्क्रीन होते हैं उनके रिव्यू भी किए हैं और कौन सी ऑयली स्किन के लिए सूट करती है अच्छे से, तो वो भी मैंने बताया है। तो उसकी लिंक वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर से जाकर इसको चेकआउट करो। लेकिन अभी जो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बाकी के सनस्क्रीन मेरे फिनिश हो गए हैं तो मेरे पास अभी ये है। तो थोड़ा सा सनस्क्रीन लूँगी मैं, यहाँ पे इतना लिया है, और इसको डॉट डॉट करके आपको पूरे फेस पे लगाना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी एजिंग भी जल्दी नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादा जो एज स्पॉट या एजिंग होती है वो सन में जाने से ही होती है। और सनस्क्रीन को आप जब भी लगाओ तो आपको डैब डैब करके लगाना है, उसको रगड़ना नहीं है। तो अच्छी तरीके से आप अपने फेस पे सनस्क्रीन लगा लो। तो अभी मैं आपको लास्ट में ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको केयर में, मॉर्निंग स्किन केयर में रूटीन में फॉलो करो और देखो डिफरेंस। 15 दिनों में या महीने में ही आप अपनी स्किन में बहुत अच्छा डिफरेंस देखोगे। तो यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छे टिप्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड लेके आती हूँ। और अगर कोई वीडियो का सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।